नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में अपनी अपनी मांगों को मनवाने कई संघ सरकार के खिलाफ हड़ताल करने सड़क पर उतर चुके हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत मितानिन अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आई है। देखिए शेख इमरान की इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में फिर एक बार बड़े आंदोलन की तस्वीर स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत मितानिनों में देखने को मिल रही है। हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाती मितानिन विकास खंड फिंगेश्वर की हैं, जो सैकड़ों की संख्या में नगर के तहसील कार्यालय परिषद में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है और लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर नारा लगा रही हैं। इनकी हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं में भारी प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि मितानिन गर्भवती महिलाओं के प्रसव से लेकर बच्चों के टीकाकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मितानिनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अपनी 13 सूत्री मांगे रखी हैं। ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक को 30,000 रूपए मानदेय देने के साथ मितानिन प्रशिक्षक को 20,000 व हेल्प डेस्क फैसिस ट्रेनर को 15,000 मानदेय देने की मांग के साथ कुल 13 मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर चुकी हैं। तो हम लोग इसमें अपना मांग रखे हैं, 30,000 हम लोगों का ब्लॉक समन्वयक लोगों का होना चाहिए करके, और जो प्रशिक्षिका है एमडी जो 7 गांव 8 गांव जो देखती है, वो लोग मितानी कम से कम 25-28-30 मितानी लोगों को वो लोग भी देखते हैं, तो उन लोगों को मात्र 6,000 तक की क्षतिपूर्ति मिलता है। उसका हम लोग मांग रखे हैं कि 20,000 तक मिलना चाहिए, क्योंकि 3,000 तो उसका पेट्रोलिंग में निकल जाता है और 3,000 बस मिलता है, जिससे वो घर चलाने में बहुत काम होता है भाई, किसी को घर ही नहीं चलता इससे। हम लोग निस्वार्थ 10 साल से ऐसी काम कर रहे हैं, है नहीं भाई। हम लोगों को वेतन नहीं मिलता था, ना अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग इतना काम कर रहे हैं निस्वार्थ, मतलब मलेरिया की जाँच करवाते हैं, ले जाके वहाँ शीतलिंग जाँच करवाते हैं, कुष्ठ जाँच करवाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग गांव में जैसे कि दस्त फैला है उसको भी हम लोग ले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें कुछ नहीं मिलता। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को कुछ मिले ताकि हमारा घर परिवार सुखी से चले। मितानिनों ने बताया कि वे 10 साल से सेवा भाव से सरकार के लिए काम कर रही थी। सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती थी, उसमें भी कटौती की जाती है, शोषण किया जाता है। मितानिन स्वास्थ्य सेवाओं में अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 24 घंटे मरीजों को सेवा देती हैं, जिनको बहुत ही कम राशि दी जाती है, जिससे उनका घर चलाना बेहद मुश्किल है। शिशु मृत्यु और माता मृत्यु इस सब में कमी आई है, फिर भी सरकार हम लोग को नहीं देख रही है, क्योंकि हम लोग अपना घर का पालन पोषण किस हिसाब से करेंगे। इतनी मितानिन बहनें हैं अपने घर बार छोड़ के, रात को आधी रात को जब फोन आता है सब किसी का, तो घर से उठ के अपने परिवार को छोड़ के 2-3 दिन के लिए बाहर रहती हैं। उनके लिए सरकार को जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो जागरूक करते हैं इंसान को, और हम लोग का जो मानदेय मिलता नहीं है, क्षतिपूर्ति मिलता है उसमें भी हम लोग को सही रूप से दिया नहीं जाता है। शोषण किया जाता है कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, ये काम नहीं करेंगे तो वो होगा, आप लोग को बिठा दिएंगे, ऐसा करेंगे। 15 साल हो गया काम करते करते, आज हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मानदेय बनाया जाए और हम लोग को निश्चित रूप से हम लोग को इस काम में मजबूती दिया जाए। क्या करेंगे अगर आपकी मांग पूरा नहीं करते तो? रैली, धरना, प्रदर्शन और कुछ भी करेंगे जो अपने पेट के लिए जो करना चाहिए, भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर आप लोग के निलंबन या कोई आप लोग ऊपर कार्रवाई की जाएगी तब किस स्थिति में क्या? ऐसे तो कर नहीं सकते, इतने सालों से कर रहे हैं, आज तक किसी के साथ जो कुछ नहीं हुआ है तो हम लोग के साथ कैसे करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद है, इतने लोग हैं हम लोग प्रदेश स्तर पर और सारे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और समुदाय में काम कर रहे हैं। हम लोग अभी हड़ताल में बैठे हैं, जहाँ से देखो शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी।
प्रदेश भर की मितानिन अपनी मांग सरकार से मनवाने, सड़क की लड़ाई लड़ने, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो राजधानी में विशाल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मितानिन यहां पे पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल कर रहे हैं। ये 13 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ ये नाराबाजी कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो 13 सूत्री मांग है वो पूरा किया जाए। आपको बता दें, सबसे बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बड़ी हड़ताल इसे माना जा सकता है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो हड़ताल हुआ है उसके बाद अब मितानिन अब सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होता है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की मदद करना हो या फिर बच्चे का जन्म से लेकर एक इंसान की मृत्यु तक ये इन काम करते हैं, अपना घर छोड़कर काम करते हैं। और बता दें कि इनका कोई समय सीमा नहीं होता, रात हो या फिर दिन हो, 24 घंटे इनकी सेवाएं होती हैं और इन्हीं सेवाओं में रहकर ये जो मितानिन हैं और जो कार्यकर्ता हैं ये कार्य करते हैं। और इनके 13 सूत्री में मांग में ये है कि सबसे पहले ये इन्होंने प्रमुख जो मांग मुख्यमंत्री से रखी है, ये ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक की मांग दे राशि लगभग 30,000 रुपये की मांग ये कर रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षित जो मितानिन है उन्हें 20,000 रुपये देने की ये मांग कर रहे हैं। हेल्प डेस्क फैसिलिटेट की मानदेय राशि 15,000 रुपये के साथ अन्य जो मांग है 13 सूत्री मांग है ये यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी कितनी समस्या है, इनकी घर किस तरह चलती है। हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज़ जो है मितानिनों ने कर दिया है, देखने ये होगा कि इनका हड़ताल कब तक चलता है और इनके मांगों पर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है या क्या कुछ राहत भरी संदेश इन मितानिनों तक पहुंचाती है, या फिर ये मितानिन इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। glif.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। glif.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glif.in.